दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो कंप्यूटर है डेली लाइफ में जो है, जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर बाकी कोई भी रहता है, तो उनकी जो है जिंदगी में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है कंप्यूटर का। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के दादा कौन है। कंप्यूटर के दादा का नाम है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर होता क्या है, पहला टॉपिक कि सुपर कंप्यूटर रहता है जो भी मतलब अपना कंप्यूटर छोटी कैलकुलेशंस कर सकता है, और अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो उसको बहुत मिनट लग जाएंगे, बहुत सारे मिनट लग जाएंगे। ठीक है, पर अगर उसको सेकेंड्स में करना है तो क्या करे, सुपर कंप्यूटर। तो जैसे कि इसमें जो है, इसमें क्या बोलते हैं, अपने छोटे डेस्कटॉप लैपटॉप में, इसमें एक ही सेमीकंडक्टर रहता है, उसमें हजारों सेमीकंडक्टर रहते हैं, वो 100 फीट का रहता है, इतने बड़े रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं दोस्तों। तो वो इतने ज़्यादा महंगे आने की वजह से जो है उनका क्या रहता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, और कुछ कुछ ही लोग जो उसको खरीद पाते हैं। अभी तक दोस्तों जो है इतने सारे कंप्यूटर्स हैं पूरी दुनिया में, ज़्यादातर जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, पर जो बाकी सब मतलब कि कंप्यूटर्स जो है पूरी, ये जो सुपर कंप्यूटर्स है पूरी दुनिया में कितने हैं ये जाने अपन, तो वो है 569। अभी तक बस इतने ही है दोस्तों, 569 है, पर ये इतने में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो है सबसे अच्छा जो सुपर कंप्यूटर है US का, वो आता है 1000 मिलियन या 100 मिलियन उसके बीच में जो है आता है, और डॉलर, वो भी 1000 मिलियन डॉलर या 100 मिलियन डॉलर इंटू 569, कितना सारा पैसा दोस्तों। तो समझ रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा इसमें जो है पैसा लगता है। फिर इसके अलावा भी चलिए जानते हैं सुपर कंप्यूटर किस चीज़ों में जो होता है। तो पहले तो जो कि मतलब रहता है न्यूक्लियर एटॉम चीज़ें की रहती है उसके बारे में, उसके जो बड़ी बड़ी मैथ कैलकुलेशन रहती है, जो चीज़ें रहती है बड़ी बड़ी, कोई रिसर्च करनी होती बड़ी, बहुत बड़ी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब चीज़ें कहाँ से हुई, ये सब चीज़ हुई सुपर कंप्यूटर से। बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन से पहले, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें किस में रहती थी, मतलब रहती नहीं थी, मतलब इसमें दिमाग इतना रहता है सुपर कंप्यूटर में कि ये जो है अलग अलग चीज़ें जो है बताता है। फिर इसके बाद जो है मतलब बहुत फास्ट कर सकता है। तो जो है अभी कैसे फास्ट कर सकता है, तो दो तरह के प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हमारे इसमें नॉर्मल लैपटॉप में इंटेल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, तो वैसे ही जो है इसमें दो तरह के लैपटॉप्स रहते हैं जिसमें कि दो तरह के प्रोसेसमेंट्स रहते हैं। तो पहले तो सीरियल प्रोसेसिंग और दूसरी की पैरेलल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग जो अपने नॉर्मल लैपटॉप्स में होती है, वो धीरे धीरे जो है काम करता है, एक काम होने के बाद ही दूसरा काम करेगा, समझ लो। फिर इसके जो है पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ, जैसे कि 10 कंप्यूटर लेकर बैठे हो ना, वो भी कम पड़ जाएंगे सुपर कंप्यूटर के पास, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा पावर रहती, करोड़ों बिलियंस आप ला दो कंप्यूटर, उसको भी टक्कर दे दो सुपर कंप्यूटर, इतना जो है स्ट्रांग रहता है, वो भी हाईटेक एप्पल लिनोवो, उसके ला दो आप लैपटॉप, फिर भी दोस्तों जो है। फिर क्या जो है तीसरा पॉइंट आता है कि अभी जैसे कि अपने नॉर्मल उसके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ वगैरह है, विंडोज़, ठीक है, तो जो है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सुपर कंप्यूटर, तो इसके जो है पहले के ज़माने में यूनिक्स नाम था, उसके बाद अभी लिनक्स हो गया है, और अलग अलग है जैसे कि सेंटॉस, बुल्स और ऐसे ही अलग अलग है। तो जो है दोस्तों अभी जो है चलिए जानते कि इसके अंदर जो है इंडिया क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोस्तों जो है अभी इंडिया के पास 5 या 10 करीबन जो है दोस्तों, तो उसके अंदर भी क्या है, उसमें जो है अलग अलग जो है मतलब एक ऐसा कमेटी बनाई उन लोगों ने जो कि स्पेशली इसके बारे में ही है, सुपर कंप्यूटर के बारे में, और जो है एक ऐसी मतलब एक और जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो क्वांटम कंप्यूटर, मतलब इसके ये कंप्यूटर के दादा सुपर कंप्यूटर के दादा है क्वांटम कंप्यूटर, तो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो उस पर भी जो है इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर भी जो है अलग अलग कंपनीज बताई, अलग अलग जो टॉक्स होते हैं, और जो है अभी जो सुपर कंप्यूटर के लिए जो और ज़्यादा जो है अलग अलग कंपनीज के साथ डील हो रही है, लिनक्स, सेंटॉस, बुल्स,
तो इसके साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कि बहुत ज़रूरी रहता है, और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी जो है इंडिया के अंदर और अच्छा हो रहा है, जैसे कि यूएस वगैरह का इतना फास्ट जो है। तो दोस्तों जो है ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्वांटम, किसका, क्वांटम कंप्यूटर। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू।